पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अज पिंड मूसा विखे पहुंचे जिथे उन्होंने मरहूम नौजवान पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के परिवार नाल दुख सांझा किया है। उन्होंने परिवार को हर तरह की सहायता ते सुरक्षा प्रदान करने का भी भरोसा दिता है। सख्त सुरक्षा प्रबंधा हेठ मुख्यमंत्री भगवंत मान 2 घंटे देरी नाल सिद्धू मूसेवाले के घर पहुंचे। तुम दस दिए कि सिद्धू मूसेवाले का मानसा नेड़े पिंड जवारका विच 29 मई की शाम को कुछ अणपछाते व्यक्तियों वालों गोलियां मार के कतल किया गया। भगवंत मान की परिवार नाल सुखावें माहौल में गलबात हुई है। इस मौके मानसा जिले तो आम आदमी पार्टी का कोई विधायक मौजूद नहीं सी। इस मौके मरहूम पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाले के पिता बलकौर सिंह सिद्धू ने अपने पुत के कतल लई छेती तो छेती इंसाफ देने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने कातलों को जल्द ही पुलिस वालों काबू करने का दावा भी किया है। उधर पिंड मूसा के मुख्यमंत्री भगवंत मान के दौरे तो पहला इलाके के विधायक गुरप्रीत सिंह बनावाली का विरोध किया गया। इस विरोध तो बाद सिद्धू मूसेवाले के घर तो दूर और पिंड तो बाहर चले गए। पिंड के लोगों ने कहा कि भगवंत मान के दौरे करके पुलिस वालों वड्डे तड़के तो पिंड सील किया होया जिस तो अग के ही लोगों वालों विधायक का विरोध किया है। उधर आम आदमी पार्टी के बुलारे मालविंदर सिंह कंग ने इस विरोध से अपनी तिखी टिप्पणी दी है। सिद्धू मूसेवाले साहब की मौत दुखदाई मौत तो बाद अज जो पंजाब के मुख्यमंत्री मानयोग भगवंत सिंह मान उन्होंने परिवार नाल दुख साझा कर जा रहे हैं। इस दुख की घड़ी च इस मुश्किल की घड़ी च भी कांग्रेस जिड़ी है अपनी नापाक जिड़ी करतूत है जिड़ी इन्हों की गंदी राजनीति तो बाद नहीं आ रही। अज कांग्रेस के एक्स MLA अपने कुछ सपोटर नाल जाके उत्थे जिस तरीके नाल हंगामा कर रहे हैं इन सारा पंजाब देख रहा है। कांग्रेस हमेशा ही चाहे किसी नौजवान सितारे की मौत भी क्यों ना हो उस लाश तो भी अपनी राजनीतिक जमीन तलाशती है। यह इन्हों की गंदी राजनीति है जिन्हों पंजाब के लोग कभी माफ नहीं करेंगे। सरदार भगवंत सिंह मान मुख्यमंत्री पंजाब के स्टेट हैड होने के नाते मुख्यमंत्री होने के नाते अपनी जिम्मेवारी निभा रहे उस परिवार का दुख साझा कर जा रहे उस परिवार जस्टिस किस तरह देना है सारी उस मशक्कत च लगे हुए हैं। लेकिन एक कांग्रेस पार्टी जी जिन्हों का अतीत रहा है लाशा से पॉलिटिक्स करना अज भी वह हरकतों पर बाज नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट पंजाब टुडे।